तो ये रहा हमारा आज का पहला सब्जेक्ट। ये देखिए कितनी हाँ जी Shit! इसने पकड़ लिया है आपकी स्किन को। एक सर्कल बना ले, एक सर्कल अगर इसको पकड़ना है एक सर्कल बना ले। तो हमारे पास 5 हो चुके हैं। ये भी पकड़े, ये बिल्कुल ताजा है आपने। और ये रहा हमारा रेड स्पॉटी डायडम स्नेक। घर नहीं कुछ कहता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वाइल्ड रश। आज की वीडियो में कोई एक कंटेंट नहीं होने वाला, क्योंकि आज की वीडियो स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए होने वाली है। क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इनवाइट किया था अपने सब्सक्राइबर्स को कि वो इस वीकेंड हमारे साथ डेजर्ट नाइट हार्पिंग पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलिए हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बिलाल जुवेद है और मैं दुबई में रहता हूँ। बेसिकली मेरा होम टाउन भावलपुर है। सो 44 डेजर्ट में वाइल्ड रश ने हमें हेल्पिंग के लिए इनवाइट किया। सो लेट्स सी व्हाट वी गॉट। और मिलिए हमारे आज के दूसरे गेस्ट मिस्टर अजमल से, जो कि मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं और वाइल्ड लाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे ही इनको पता चला कि मैं डेजर्ट में नाइट हेल्पिंग करवा रहा हूँ, तो ये सब कुछ छोड़ के आ गए। कैसे मिस कर देता भाई, क्योंकि जो चीजें मैंने वीडियो में देखी थी आज मुझे लाइव देखने को मिल रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मिले हमारे आज के लास्ट गेस्ट से मिस्टर मतलूब से। ये 44 साल से ही हैं। इनके साथ एक हादसा हुआ है कि इनको जो है 100 स्केल वाइपर ने बाइट किया है और ये बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये जो है इनको बाइट किया था यहाँ पे। इनका डर उतरवाने के लिए मैं इनको स्पेशली जो है इनको मैंने रेगिस्तान में इन्वाइट किया है। कि हमारा आज का मकसद ये है कि हम जो है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएं। और आप सब भी हर वीकेंड पे इनवाइटेड हैं। जब भी आपको मिले आप यहाँ पे आ सकते हैं, मैं आपको नाइट हार्पिंग करवाऊंगा। तो हमें नहीं पता कि आज हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। रेगिस्तान के जिस पैच में अभी हम फिर रहे हैं, यहाँ पे 100 स्केल वाइपर है जो कि एशिया का डेडलीस्ट बिग 4 स्नेक में से है। यहाँ पे आपको रॉयल स्नेक मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है जर्बिल माउस मिल सकते हैं, फैट टेल स्कॉर्पियन और हेरी टेल स्कॉर्पियन आपको मिल सकते हैं। तो गाइज आपको जो है बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेफ्टी का। हमारे पास हर सेफ्टी सामान है, हमारे पास टॉर्च लाइट है। तो गाइज आर यू रेडी? तो करते हैं आज की हर्पिंग स्टार्ट। तो डेजर्ट में नाइट हर्पिंग करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, साथ साथ रहना है और ठप ठप करके नहीं चलना। मतलब कि आपकी वाइब्रेशन जो हमारे रेप्टाइल्स और एनिमल्स हैं वो भाग सकते हैं और हो सकता है कि आपको कुछ भी नज़र ना आए। और आपने ख़ास ख्याल रखना है पैटर्न्स का, क्योंकि रात को शाम जो है हमारे नॉक्टर्नल एनिमल जो हैं, नॉक्टर्नल रेप्टाइल जो हैं, वो एक्टिव होते हैं। आपने उनके पैटर्न्स को फॉलो करना है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ये देखें अभी आपको यहाँ पे निशान नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे जर्बिल माउस जो होते हैं ना, ये उसके निशान है। यहाँ पर वो खुदाई करता रहा सही और भाग गया। ये देखें उसकी टेल के निशान है पीछे से, उसके पंजों के निशान है सही है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और आपने पैटर्न्स को फॉलो करना है। ये देखें इसी तरह के पैटर्न्स को हमने ढूंढना है। और ये पैटर्न जो है बिल्कुल ताज़ा है। आसपास देखें आपको कोई ना कोई सांप जो है मिल जाएगा। ये देखें बिल्कुल ये ये निशान जो है 100 स्केल वाइपर के हो सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरह से क्लोज पैटर्न बना के जो है चलता है। तो इस वजह से ये उसके निशान हो सकते हैं। ध्यान से ये आपने आंखें खुली रखनी है। इस तरह की जो झाड़ी ये देखें बिल्कुल ये बिल्कुल ताज़ा निशान है सही है। तो इस तरह की झाड़ियों से जरा बच के रहना, ये जो साफ टीला होता है इस पे ज़्यादा चा। तो ये रहा हमारा आज का पहला सब्जेक्ट। आप में से कोई बता सकता है ये कौन सा सांप है? मैं बताता हूँ। आई थिंक मुझे पता है, इसका नाम है ऑल हेडेड थिन लॉन्ग नोज स्नेक। यस बिल्कुल। और ये टोटली हार्मलेस है। और अब आप में से कौन इसको उठाना चाहेगा? मैं आपको बताऊंगा ये टोटली हार्मलेस है, ये आपको बाइट भी नहीं करेगा। ये मैं ट्राई करता हूँ, फर्स्ट टाइम पकड़ने लगा हूँ। यस तो मैं आपको बताऊँ, मैं इनके पास हूँ, इन्होंने मेरी वीडियोज देखी हुई है, इसी वजह से मैं इनको जो है उठाने के लिए दे रहा हूँ। तो इसका पैटर्न जो है 100 स्केल वाइपर से भी मिलता जुलता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैंने डिटेल के साथ बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। और अजमल भाई अब आपको ही पकड़ना है, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप इतने दूर आएँ और आप भी ये मौका मिस करें। ये कैसा लग रहा है? सॉफ्ट है यार, क्या बात है। ये इसका पैटर्न जो है मैं बता रहा हूँ 100 स्केल वाइपर से भी मिलता है। अल्लाह करे वो भी हमें मिले और मैं उससे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, लेकिन वो मैं आपको ऐसे पकड़ने नहीं दूंगा। और
तो अब आ रही है उस भाई की जिसको स्नेक बाइट हुआ था। इनको डर लगता है, इन्होंने मुझे पहले बता दिया है कि मैं शाम को पकड़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है। अच्छा मतलब भाई बिल्कुल ये 100 स्केल वाइपर जैसा है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप इसको पकड़ें लेकिन कम से कम आप इसको टच कर सकते हैं। इसका मैं चेहरा जो मैं पकड़ लेता हूँ, आप इसको टच कर सकते हैं। कुछ होगा तो नहीं? नहीं कुछ कहता, बेफिक्र हो। कैसा लग रहा है यार मुझे? तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी इसको पास रखेंगे, जाते वक्त इसी डेजर्ट में हम छोड़ देंगे क्योंकि हम जो है जाते वक्त आपको दिखाएंगे कि हमें कितनी स्पीशीज जो है वो मिली हैं। तो कौन पकड़ेगा इसको? हाँ यस, तो अगली स्पीशी को ढूंढते हैं क्या मिलता है। ये देखिए, ये है, तो ये है रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक आम सी छिपली जिसको क्रोसो बॉमन छिपली कहा जाता है। ये बिल्कुल हाउस लिजर्ड जैसी होती है, टोटली हार्मलेस, टोटली नॉन वेनमस। सांप जो है इसका शिकार करते हैं। कौन पकड़ना चाहेगा इसको? यस, क्रॉस बॉमन लिजर्ड कहते हैं। माशाल्लाह इसकी आंखें देखे बहुत प्यारी है, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसे पकड़ने का, जो एक वक्त में मैंने पकड़ लिया सी, उम्मीद नहीं थी मुझे। और अब्द रहमान भाई ये इसका साइज मैक्सिमम इतना ही होता नहीं है? नहीं, ये और बढ़ेगी, जो हमारी हाउस कॉमन लिजर्ड्स होती हैं उतना जो है इसका साइज हो सकता है। आप पकड़ना चाहेंगे? कोई बात नहीं, सही है। सो चले जाने दें, इसको छोड़ देते, इसको छोड़ देते, इसको छोड़ देते हैं। इसको पकड़ना चाहेंगे मतलब भाई आप? मतलब भाई चलो इसको पकड़ लिया, नाइस है, आप इसको छोड़ दें, चलें। हाय, अब जो है तो इस तरह की झाड़ियों से आपने बच के रहना, मैं बार बार बता रहा हूँ। ओहो ये देखें, ये देखें, एक मिनट, 100 स्किल वाइपर तो नहीं है? नहीं, ये हमारा दूसरा ऑल हेडेड सिन लॉन्गनोस स्नेक है। अब अजमल भाई आप इसको पकड़ के दिखाएं जरा। तो हमारे पास सभी जो हैं 2 सांप हो चुके हैं, होल हेडेड सिन लॉन्गनोस स्नेक जो हैं हमारे पास 2 सांप हो चुके हैं। अच्छी कलेक्शन है, अच्छा स्टार्टअप जो हमने ले लिया है। तो इस तरह की झाड़ियों को भी आपने चेक करना है। 100 स्केल वाइपर, जब आप 100 स्केल वाइपर के पास जाएंगे वो जो है अपने हाँ बिल्कुल अपने स्केल को जो है रगड़ेगा और इस तरह की आपको आवाज़ सुनाई देगी। जैसे ही आपको वो आवाज़ सुनाई दे समझ लो कि आप 100 स्केल वाइपर के एरिया में हैं। आपने ज़रा इस तरह की झाड़ियों से ज़रा बच के, तो 100 स्केल से आपने बच के रहना है क्योंकि अल्लाह ना करे अगर उसकी बाइट हुई तो काफ़ी रुको। तो ये है हमारे रेगिस्तान का खूबसूरत फूल फैट टेल स्कॉर्पियन। इससे बच के क्योंकि अगर इसने स्टिंग अटैक कर दिया बहुत 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 दर्द होगी। एक मिनट मुझे एक टूल निकाल ले दो, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ इसके बच के ज़रा कितना खूबसूरत है। ये देखिए कितनी हाँ जी बिल्कुल, आप इसका ये स्टिंगर पार्ट देख सकते हैं कितनी स्पीड के साथ ये अटैक करता है। अभी मैं इसको ओहो भाई नहीं तंग करता मैं तुम्हें। ये देखें कौन इसको पकड़ना चाहेगा अभी? नहीं, एक मिनट मैं आपको हाथ में बैठाता हूँ, कोई हाथ करे। इसका मैंने स्टिंगर पार्ट जो है ना वेनम बल्ब जो है उसका मैंने पकड़ा हुआ है। आपको आप सीधा करें, आप सीधा करें, हाथ करें। नहीं कुछ कहता भाई, बेफिक्र। अरे कौन करेगा, कौन हिम्मत करेगा? अरे भाई, एक चाय का कप मेरी तरफ से। हाँ जी हम गुड ब्रो। नहीं, एक कोशिश करें, हाथ लगाएं, कुछ नहीं करते कुछ। ब्रो इट्स फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ। ये देखें इसने पकड़ लिया है आपकी स्किन को, लेकिन वेल मेरी तरफ से आपको चाय का कप। हाँ जी आप कोशिश करना चाहेंगे? भाई डर तो बहुत लग रहा है लेकिन हाथ मैं आपको बताऊं क्योंकि आप ये ट्राई नहीं कर सकते। अगर इसका स्टिंग अटैक हुआ तो 2.5 दिन तक जो है आपको बहुत शदीद दर्द होगी। आप ट्राई करना चाहेंगे? सीधे आप पे करूंगा भाई। ध्यान से, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। डर लग रहा है, मेरा दिल रहा है। कुछ नहीं कहता। तो अब भारी है हमारे मतलूब भाई की, आप ट्राई करना चाहेंगे? बहुत डर तो बहुत लग रहा है मगर ट्राई करूंगा मैं। चलो बेफिक्र हो, और
ध्यान से आप अगर डरेंगे हाथ ही लाएंगे तो हो सकता है यहाँ से निकल जाए और फिर स्टिंग अटैक हो जाए। कैसा लग रहा है? छोड़ दो इसको। क्या बात है, छोड़ दो इसको। नहीं नहीं यार, नहीं छोड़ना नहीं है। चले अब वेल 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 तो भाई मुझे तो आप तीनों को चाय पिलानी पड़ेगी। तो अब इसको छोड़ देते हैं, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाय बाय। तो मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाके इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इसको अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाय बाय मेरे दोस्त। चलो अगले कॉन्टेंट के लिए निकलते हैं, आजो ध्यान से। बाय बाय। कैमरामैन, कैमरामैन की आवाज़ है, कैमरामैन की आवाज़ है। एक मिनट, ये कौन सा, ये कौन सा? ऑल हैड इट, उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो, आपके पास सॉस खेलते नहीं। ऑल हैड इट, ऑल हैड इट, ऑल हैड इट। अब हमें चार जो है ऑल हैड इट साहब मिल चुके हैं, तो आगे देखते हैं क्या मिलने वाला है। मेरा फोकस जो है वो सॉस खेल के ऊपर है, ताकि मैं अपने मतलूब भाई का डर उतरवाऊँ। सही है, इनको बताऊं कि ऑल हेडेड में और सौ स्केल में क्या फ़र्क है। तो चार ऑल हेडेड हमें साहब मिल चुके हैं। तो इस तरह का पौधा जब भी आपको डेजर्ट में नज़र आए, समझ लें कि यहाँ पे हमारा सौ स्केल वाइपर हो सकता है, यहाँ पे हमारा ग्लोसी बैलेट रेसर स्नैक हो सकता है, यहाँ पे हमारा रेड स्पॉटेड डायडम स्नैक जो है वो हो सकता है। तो इस पौधे को हमारी लोकल जबान में आग का पौधा कहते हैं। इसकी निशानी ये होती है कि अगर आप इसको पत्ता तोड़ेंगे तो इसमें से दूध टाइप लिक्विड है वो निकलेगा। सही है, ये तो आम है आपके। हाँ बिल्कुल, हमारे एरिया में आम है, क्योंकि मैं इनको बता रहा हूँ, हमारे व्यूवर्स को बता रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैलोट्रोपिस गिगेंटिया का पौधा कहते हैं। ये जब भी आपको नजर आए आपने इसको अच्छे से देखना है, यहाँ पे हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे इस पैच में अभी ये कैलोट्रोपिस काफ़ी फैला हुआ है, हम यहाँ पे दो ग्रुप्स में थोड़ा सा जो है डिवाइड हो जाएंगे। सही है, बिलाल और मतलूब आप एक साइड पर, मैं और अजमल जो है एक साइड पर जाते हैं। ज़्यादा फासला नहीं होगा, लेकिन हम ढूंढते रहेंगे ताकि हमें ज़्यादा चीज़ें मिलें। बिल्कुल, एक मिनट, ज़्यादा हिलना नहीं, इसकी मैं आंखों में लाइट मार रहा हूँ। एक मिनट, इसकी आंखों में लाइट मारनी है बस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब पकड़ना नहीं आपने, आपने नहीं पकड़ना। एक मिनट, मैं अभी अभी पकड़ लेंगे, अभी पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ा जाएगा। किधर गया वो? भाग गया वो, भाग गया। एक मिनट, किधर किधर किधर? अब बस 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 बस, अभी 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 पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ा जाएगा। तो हमने पकड़ लिया है जर्बिल, जर्बिल माउस हमने पकड़ लिया है, जो के है हमारा छोटा मिनी कैंगरू। इसको हमने काफी भगाया है। ये देखें कितना खूबसूरत है, बहुत मासूम है। आप इसको पेट भी बना सकते हैं। अगर आप इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डिटेल के साथ मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है। तो कोई पकड़ना चाहेगा इसको? ये तो पकड़ेंगे भाई, ट्राई करें। हाँ जी, कौन पकड़ेगा इसको? पकड़ना, मैं पकड़ूंगा। हमारी लाइट जो है वो ऑफ हो चुकी है, ध्यान से इसको यहाँ से ऐसे छोड़िए 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 ध्यान, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आदमियों से भाग गया वो, भाग गया, इधर ही है, इधर ही है, ये बैठा हुआ, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये देखें। अबे मैं ही पकड़ूंगा इसे, नहीं अपनी टेल से नहीं पकड़ोगे। ओ भाग गया, फिर से भाग गया। चलो इसको छोड़ देते हैं, और काफी थक गया ये। मजा आया यार इसने हमें भगाया काफी है। इसने हमें काफी भगाया है, हमारी लाइट ऑफ हो चुकी है। तो मजा आया आपको? आई एम रियली सॉरी, मैं आपको जो है इसके ज्यादा अच्छी तरह दिखा नहीं पाया, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हमने इसकी वीडियो जो है अपलोड की हुई है। आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं हमारे जर्बिल माउस की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो लाइट ऑफ हो चुकी है, अब जो भी करना पड़ेगा अंधेरे में करना पड़ेगा। तो ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े निशान हैं सांपों के, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे काफ़ी उनकी बिल भी बनी हुई हैं, ये देखें, ये जो है हमारे जर्बिल माउस बनाते हैं, और इन्हीं बिल्स को जो है हमारे सांप भी इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पैटर्न हैं। तो ये ना ऑल हेडेड है ना सौ स्केल है, या तो ये हमारा ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक हो सकता है, या हमारा हो सकता है
रेड स्पॉटेड स्नेक, ये देखें यहाँ भी, ये बिल्कुल ताज़ा निशान है, ये बिल्कुल ताज़ा है आपने। और ये रहा हमारा रेड स्पॉटेड डायडम स्नेक, असली चोलिस्तान का डेजर्ट रोज, आपने सुना होगा, आप इसको डेजर्ट रोज है, गुले सहरा कह सकते हैं, बहुत खूबसूरत है और टोटली हार्मलेस है। अरे भाई मेरा फेवरेट है ये, आपने देखा है? हाँ मैंने पहले देखा हुआ है, आपके वीडियो में देखा हुआ। भाई कौन उठाना चाहेगा, मैं करने के ट्राई, 100% हार्मलेस, 100% नॉन वेनमस सांप है। मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ लूंगा, ऐसे पकड़ लिया। हमारे पास अभी जो है 4 ऑल हेडेड स्नेक हो चुके हैं। उठा लो, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, पीछे यहाँ से उठाएं, ठहर नहीं कुछ कहता। तो ये है यार हमारी आज की हर्पिंग का मेन सब्जेक्ट, समझ लें इसको, मेरे फेवरेट सांपों में से एक सांप है, क्योंकि ये रेगिस्तान की पहचान है और आप लकी हैं कि आपको ये देखने का मौका मिल गया। और आप इसको गले में पकड़ सकते हैं, गले में रख सकते हैं, क्योंकि आज का दिन आपका है, आज का दिन आप सभी का है, अरे ये मेरा हुआ। आपका हुआ, आप इसको गले में डाल सकते हैं और जाते वक्त जो है हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पे, यहाँ से बेफिक्र है, डरना डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं है, मुंह छोड़ दे इसका। तो वो कैसा लगा, कैसा लगा यार, बिलाल भी आप ट्राई करना चाहेंगे? बिलाल भाई वीडियो बनाने में मसरूफ़ हैं। मैं आपको बिलाल बताऊं कि बिलाल भाई का यूट्यूब चैनल है DXB Vlogs के नाम से, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वीकेंड हर्पिंग पे जो भी गेस्ट आएगा, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम वो भी प्रमोट करेंगे। तो कैसा रहा बिलाल भाई एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और मैं आपको, और हमारे पास सांप चेक करें कितने सांप हो चुके हैं, 4 हमारे पास ऑल हेडेड स्नेक हो चुके हैं और एक जो है हमारे पास रेड स्पॉटेड जो है डायडम स्नेक हो चुका है। अरे नहीं, मुझे फॉलो नहीं करना आपने, मुझे फॉलो नहीं करना, ये ना हो कि आप सॉस के वाइपर को कर लें। मतलब भाई ये हैं हमारे, मतलब भाई आप पकड़ना चाहेंगे इसको, पकड़े यहाँ पे, बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए, कुछ नहीं कहता ये, ये पकड़ना चाहेंगे? नहीं नहीं, डर जाएगा, डर जाएगा। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आई एम रियली सॉरी कि हम आपको अच्छी तरह दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारी लाइट जो है वो ऑफ हो चुकी है, काफ़ी देर से जो है हम हर्पिंग कर रहे हैं। तो अभी जहाँ से हमने इसको पकड़ा था उधर ही हम इसको छोड़ रहे हैं। तो बाय बाय मेरे दोस्त, बहुत खूबसूरत है ये, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक की हमारी हर्पिंग बड़ी कमाल की रही, लेकिन मेरा फोकस जो है वो अभी तक जो है सॉस के वाइपर के ऊपर है, काश हमें वो मिल। कैमरामैन ध्यान से, क्या कौन सा? ऑल हेडेड, हर तरफ आज हमें ऑल हेडेड ही मिल रहे हैं। तो हमारे पास 5 हो चुके हैं, ये भी पकड़े, टोटल 5 तो, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। आज की हर्पिंग जो है मेरे ख्याल से हम इधर बंद करते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। और तो आज की हर्पिंग में हमें हर तरफ जो है वो ऑल हेडेड ही मिले हैं, जो कि टोटली हार्मलेस, नॉन वेनमस, इको फ्रेंडली स्नेक हैं। वेनमस स्पीशीज जो है वो सिवाय स्कॉर्पियन के हमें कोई नहीं मिली, स्कॉर्पियन जो है वो फैटल स्कॉर्पियन था, लेकिन मेरा फोकस जो था वो था सौ स्केल वाइपर के ऊपर, वो नहीं मिला। तो आज की हर्पिंग हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है। तो उम्मीद है भाई लोगों आपको मज़ा आया होगा, और बिल्कुल बिल्कुल आप जब भी आए वीकेंड पे, आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप पाकिस्तान से हैं, आप कभी भी चोलिस्तान डेजर्ट में वीकेंड पे हर्पिंग के लिए आ सकते हैं। आपका अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे उसको प्रमोट भी करेंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो डोंट वरी, इंडिया में भी मेरे बहुत सारे वेल एक्सपीरियंस्ड मेरे सीनियर दोस्त हैं, अगर आप हर्पिंग का शौक रखते हैं तो आप उनके एरिया में भी जाके हर्पिंग कर सकते हैं। इन फ्यूचर मौका मिला तो पाकिस्तान और इंडिया जो है मिलके हम इस तरह की फील्ड्स को प्रमोट करेंगे। तो आज की हर्पिंग यहाँ पे ख़त्म हुई, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हम इन सांपों को छोड़ना चाहेंगे, रिलीज करना चाहेंगे, तो कर दें भाई, इधर ही छोड़ दें, इधर ही छोड़ दें, बाय बाय।